कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये वो समय होता है जब आप अपनी तकदीर को चमका सकते हैं, अपने रूठी हुई किस्मत को मना सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों? आप लोग अपने पितरों की नाराजगी को पहचान सकते हैं। हमें कुछ ऐसे संकेत दिए जाते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे हमारे पितरों की नाराजगी है। और दोस्तों ये श्राद्ध पक्ष ही, जिसे पितृ पक्ष या कनागत भी कहा जाता है, एक ऐसा समय होता है जब आप अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में भी बताएंगे जिससे आप लोग अपने पितरों की नाराजगी को पहचान सकेंगे, और साथ ही दोस्तों आपको पितरों को शांत करने के उपाय भी हम शास्त्र अनुसार यहां पर बताने वाले हैं। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य लोक से ऊपर पितृ लोक होता है, और हिंदू धर्म में हमारे मृत पूर्वजों को पितृ कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इनका एक अलग लोक होता है, वहीं हर साल एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर आकर अपनी भावी पीढ़ी को देखकर प्रसन्न या दुखी होती है, और जिनको अच्छी तरह से तर्पण नहीं मिलता है, जिनके लिए श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, ऐसे पितृ दुखी होते हैं। वो अपने वंशजों को देखकर दुख को, पीड़ा को महसूस करते हैं। तो दोस्तों पितरों की इस दुनिया को लेकर लोगों में हमेशा उनके प्रति जिज्ञासा बनी रहती है, और हमारी ही पुरानी पीढ़ी होने के कारण जहाँ दोनों ओर अपनों को लेकर लगाव होता है, वहीं पृथ्वी पर रहने वालों में इस समय सबसे बड़ी जिज्ञासा यही लेकर होती है कि कहीं वे यानी हमारे पितृ हमसे नाराज तो नहीं हैं। और साथ ही दोस्तों हर कोई ये भी जानना चाहता है कि यदि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं तो हम यह कैसे जान सकते हैं कि वे हमसे रूठे हुए हैं, हमसे नाराज हैं, और नाराज हैं तो किस कारण से है, आखिर क्यों उनकी नाराजगी है। इसके अतिरिक्त हम उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, रूठे हुए पितरों को कैसे मना सकते हैं, इस सब के बारे में अक्सर लोगों के मन में प्रश्न बने रहते हैं। दोस्तों दरअसल पितृ हमारे पूर्वज होने के कारण उनका ऋण हमारे ऊपर हमेशा रहता है, और इसका कारण यह है कोई ना कोई उपकार उन्होंने हमारे जीवन के लिए अवश्य किया होता है। वहीं यदि पितृ लोक की बात करें तो धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य लोक से ऊपर पितृ लोक, और उसके ऊपर सूर्य लोक, और उससे भी ऊपर स्वर्ग लोक होता है। दोस्तों हम एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, और आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारे पितृ क्यों हमसे नाराज होते हैं। दोस्तों पितरों की नाराजगी का कारण आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि क्रम को ना करने से, अंत्येष्टि क्रम आदि में हुई किसी त्रुटि सहित कई अन्य कारणों से भी हो सकता है, जिसके कारण हम या हमारे अपने पितृ दोष के भागी बन जाते हैं। पितृ दोष को एक अदृश्य बाधा के रूप में भी माना जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये पितृ दोष कैसे व्यक्ति को परेशान करता है। दोस्तों पितृ दोष के संबंध में माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है, वह मानसिक अवसाद, परिश्रम के अनुसार फल न मिलना, व्यापार में उसको नुकसान होना, विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना, करियर में समस्याएं, या फिर यूं कहें कि व्यक्ति और उसके परिवार को जीवन के हर क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रगल की लाइफ उसको जीनी पड़ती है। पितृ दोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं होने पर भी व्यक्ति को उनके शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान कितनी भी पूजा पाठ, देवी देवताओं की अर्चना की जाए, उनका पूरा शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों जब तक व्यक्ति को उसके पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, उसके जीवन में ये अदृश्य बाधाएं
बनी रहती हैं और हर कदम पर उसको परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों आइए अब हम उन लक्षणों के बारे में आपको बताते हैं जिनसे आप पहचान पाएंगे कि आपके पितर आपसे नाराज है या नहीं है। पितरों के रुष्ट होने के कुछ असामान्य लक्षण होते हैं जो कि शास्त्र के अनुसार एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों पहला जो लक्षण है वो होता है खाने में बाल का होना। कई बार यदि खाना खाते समय आपके भोजन में से बाल निकलता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसे पितृ दोष के लक्षण के रूप में माना जाता है। परिवार में कई बार किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता रहता है और यह बाल कहां से आया इसका कुछ पता भी नहीं चलता। यहां तक कि उस व्यक्ति के रेस्टोरेंट आदि में जाने पर भी वहां उसके खाने में से भी बाल निकलता है। वहीं परिवार के लोग उसे ही दोषी मानते हुए उसका मजाक तक उड़ाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक लक्षण होता है, संकेत होता है आपके पितरों की नाराजगी का। दूसरा जो लक्षण है वो होता है दुर्गंध का आना। कुछ लोगों के घर से दुर्गंध आती है लेकिन कहां से आ रही है ये पता नहीं चल पाता, और कुछ समय बाद तो कई बार उन्हें इस दुर्गंध का पता चलना ही बंद हो जाता है, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, उनके घर से कोई दुर्गंध आ रही है। तो ऐसे में इस स्थिति को भी पितृ दोष के लक्षण में माना जाता है। तीसरा जो संकेत है दोस्तों, स्वप्न में बार बार पूर्वजों का आना। अपने स्वप्न में लगा लगातार अपने पूर्वजों को देखना या सपने में आकर पूर्वजों का हमारी ओर कुछ इशारा करना भी पितृ दोष का ही लक्षण माना जाता है। और चौथा जो संकेत है दोस्तों, शुभ कार्यों में अड़चने आना। आप कोई त्योहार या कोई उत्सव मना रहे हैं कि तभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे रंग में भंग वाली सिचुएशन बन जाती है, तो ऐसे में खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। माना जाता है कि शुभ अवसर पर कुछ अशुभ घटित होना पितरों के असंतुष्ट होने का, उनके नाराज होने का ही संकेत माना जाता है। और नेक्स्ट जो लक्षण होता है दोस्तों वो है घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। किसी परिवार में किसी व्यक्ति के काफी उम्र होने के बाद भी अगर विवाह नहीं हो पाता है तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। उस घर में यदि किसी कुंवारे व्यक्ति की पहले मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी स्थिति को भी पितृ दोष से ही जोड़कर देखा जाता है। और अगला जो लक्षण है दोस्तों वो है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी मकान, फ्लैट या जमीन आप खरीदना चाहते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी को खरीदते समय जो भी परेशानी होती है उसे भी आपकी पितृ नाराजगी का ही संकेत माना जाता है। कई बार एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जिसका कि एक हिस्सा कई कोशिशों के बाद भी ना ही बिक पाता है, ना ही आप कोई नई जमीन खरीद पाते हैं, या फिर कोई खरीदार मिलने पर भी आपकी बात नहीं बन पाती है, यहाँ तक कि अंतिम समय पर भी सौदा कैंसिल हो जाता है, तो दोस्तों ये लक्षण है आपके पितरों की नाराजगी का। क्योंकि इस तरह की स्थिति लंबे समय तक चलने पर यह मान लिया जाता है कि इसका कारण कोई ऐसी अतृप्त आत्मा है जिसका इस भूमि या जमीन के टुकड़े से जुड़ाव रहा हो, तो इसे भी पितृ दोष ही माना जाता है। और जो अंतिम संकेत हम आपको बता रहे हैं वो है संतान का न होना। दोस्तों कई बार मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से ठीक होने के बावजूद लोग संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। भले ही आपके पूर्वजों का इससे संबंध होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होना इस ओर भी इशारा करता है कि जो भूमि किसी निसंतान व्यक्ति से खरीदी गई हो वह भूमि अपने नए मालिक को संतानहीन ही बना देती है। तो दोस्तों ये भी एक पितृ दोष ही समझा जाता है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण जिनसे हम जान सकते हैं कि पितृ दोष है या नहीं है, हमारे पितृ हमसे नाराज हैं या नहीं है।
और दोस्तों अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो पितरों की शांति के लिए तीन आसान उपाय जो कि शास्त्र सम्मत बताए गए हैं, शास्त्र अनुसार हम आपको ये उपाय बता रहे हैं। आप इन उपायों को करके इसी पितृ पक्ष में अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी रूठी किस्मत को मना सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो उपाय है इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पितरों की शांति के लिए पहले उपाय के तहत षोडश पिंड दान, विष्णु मंत्रों का जाप, सर्प पूजा, ब्राह्मणों को गौ दान सहित कन्या दान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, या मंदिर परिसर में पीपल या बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना। इस तरह के कार्य करने से आपकी जो पितृ दोष है वो सब शांत हो जाएंगे। और दोस्तों साथ ही आपको अपने घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जहाँ भी होता है हर प्रकार की प्रेत बाधा, पितृ बाधा वहाँ से हमेशा के लिए दूर रहती है। और दूसरा जो महा उपाय है दोस्तों वो ये है कि वेदों और पुराणों में दिए गए पितरों के संतुष्टि के मंत्र, स्तोत्र और सूक्तों का नित्य पठन भी पितृ बाधा को शांत करते हैं। कई बार इनका समय की कमी या फिर अन्य कारणों से नित्य पाठ करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में इनका पाठ कम से कम हर महीने की अमावस्या या फिर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या, यानी ये जो पितृ पक्ष है इसकी अमावस्या में आपको इस पाठ को अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों अगर किसी की कुंडली में जिस भी प्रकार का पितृ दोष होता है उसे पितृ दोष के उसी हिसाब से पितृ दोष को शांत भी अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान दिया गया है। और तीसरा और अंतिम महा उपाय हम आपको बता रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके ओम तत् पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला का हर रोज एक निश्चित समय पर जाप करने से समस्त प्रकार के पितृ दोष, संकट, बाधाएं सब शांत हो जाता है। और दोस्तों यह मंत्र आपके जीवन में शुभता को लाने वाला होता है, हर प्रकार की विघ्न बाधा को दूर करने वाला होता है। मंत्र हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ओम तत् पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों ये जो श्राद्ध पक्ष में अभी अमावस्या आ रही है पितृ पक्ष की, इसी अमावस्या पर अगर इनमें से आप किसी भी एक उपाय को कर लेते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का पितृ दोष अवश्य ही दूर होगा। आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और आप अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद पा सकेंगे। आपके रुके हुए, बिगड़े हुए, अटके हुए सब काम बनने लग जाएंगे। और दोस्तों अगर कुछ भी आप ना कर सके तो बस भागवत गीता का पाठ ही आप कर लीजिएगा, आपके घर में आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों पितृ पक्ष की इस अमावस्या पर और भी हमारे भाई बंधु इन उपायों से अपने जीवन को धन्य कर सके, अपने जीवन में सुख शांति ला सके। और वैसे भी हमें अच्छी चीजों का ही प्रचार प्रसार करना चाहिए, ये भी एक पुण्य का कार्य होता है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि धर्म क्रम संबंधी हर प्रकार की नई जानकारी के लिए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।